सो हु इज़ द टारगेट ऑडियंस एज आई सेट जो पहला जो हमारा क्वेश्चन है सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि मेरी टारगेट ऑडियंस कौन सी है सो एज आई एम सेंग दिस इज़ नॉट डिज़ाइंड फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन आई एम राइंग टिंग इट वेरी क्लियरली इसमें से ज़्यादातर जो पोर्शन है मोस्ट पोर्शन मोस्ट ऑफ दिस पोर्शन मोस्ट ऑफ द पोर्शन इज नॉट डिज़ाइंड फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन बिकॉज ये सभी आप इंडिविजुअली एज ए सब्जेक्ट को पढ़ेंगे दिस इज़ जस्ट अ क्रॉस डिसिप्लिन ओके डिज़ाइंड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम राइट बिकॉज हर एक सब्जेक्ट की इन डेप्थ इन डिटेल आप बाद में भी स्टडी करेंगे ओके okay? तो इसको मैंने डिज़ाइन क्यों किया है वाई आई हैव इवन डिज़ाइन दिस सब्जेक्ट तो बेसिकली क्या है कि अगर ये आपका पूरा कंप्यूटर साइंस है तो इन कंप्यूटर साइंस के अंदर प्रॉब्लम ये है कि आप बहुत सारी चीज़ें इंडिविजुअली स्टडी करते हैं ये जो यहाँ पर सर्कल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं दिस सर्कल्स आर रिप्रेजेंटिंग योर सब्जेक्ट्स जैसे ये एक सब्जेक्ट हो सकता है आपका सी प्रोग्रामिंग ये एक सब्जेक्ट हो सकता है आपका डेटा स्ट्रक्चर्स ये सब्जेक्ट हो सकता है थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिशन ये सब्जेक्ट आपका हो सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स यू हैव लॉट ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स राइट अब इन सभी सब्जेक्ट्स को जब आप पढ़ते हैं तो इसमें बहुत सारा ऐसा स्पेस है जो आपका ये अननेसेसरी का जो गैप बच जाता है और इस गैप को स्टूडेंट्स फिल नहीं कर पाते दे आर नॉट एबल टू फिल आउट दिस गैप और वो उन सभी सब्जेक्ट का जो इंटर रिलेशन है एक दूसरे के साथ ये जो कनेक्शन है एक दूसरे के साथ वो इस कनेक्शन को समझ में नहीं पाते राइट तो ये चीज़ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है तो इस चीज़ को दूर करने के लिए कि हर एक सब्जेक्ट आपकी बी टेक का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी ग्रेजुएशन के जितने भी सब्जेक्ट हैं हर एक सब्जेक्ट ज़रूरी है उसी को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर इस लेक्चर को क्रिएट किया है ठीक है तो अब आपको क्या ही लेक्चर पढ़ना चाहिए डेफिनेटली येस यू नीड दिस सब्जेक्ट इवन दो आपने बाकी सब्जेक्ट को कवर सब नहीं किया है तभी आपको इस सब्जेक्ट की ज़रूरत होगी लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ़ एक ब्रीफ आइडिया दिया है आई एम नॉट कवरिंग एवरी एक्सपेक्ट ऑफ द डिजिटल कंप्यूटर क्योंकि बहुत सारे एक्सपेक्ट हैं जैसे सिंकनाइजेशन मैकेज़म्स हैं आपके पास बहुत सारी इंडेप्थ चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पर कवर नहीं कर रहा हूँ बिकॉज आई वॉन्टिड कि मैं इस लेक्चर को लाइक फोर टू फाइव आवर्स के अंदर कंप्लीट कर दूँ आई डो नॉट वॉन्ट टू वेस्ट योर कम्प्लीट आई मीन योर टाइम बेस्ड ऑन दिस तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पर वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ दैट इज वाई आई वॉन्ट किसको फोर टू फाइव आवर्स के अंदर मैं यहाँ पर कंप्लीट कर दूँ ठीक है फाइन उसके बाद डेटाउन जब हम पूरा सिलेबस कम्प्लीट कर लेंगे जब हमारी गेट की प्रिपरेशन पूरी हो जाएगी देन वी आर गुइंग टू कवर यू नो दीज सब्जेक्ट थॉरली ठीक है अब आई थिंक यू मस्ट हैव गॉट द आइडिया बिहाइंड दिस सब्जेक्ट कि हमारे जो कंप्यूटर्स के वेरियस कॉम्पोनेंट्स हैं पूरे कंप्यूटर्स में प्रोग्रामिंग कैसे काम करती है सभी चीज़ें कैसे काम करती हैं ओके सो ऑब्वियसली तो हमारा जो पूरा टॉपिक है आई थिंक वी हैव टू कवर सो मेनी टॉपिक्स मोस्ट ऑफ़ दिस टॉपिक्स विल नॉट बी विजिबल टू यू ज़्यादातर जो टॉपिक है वो आपके साथ विजिबल नहीं होंगे तो लेट मी राइट दीज टॉपिक्स हियर ठीक है देखो किसी भी डिजिटल कंप्यूटर के तीन सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शंस होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शंस सबसे पहला पोर्शन है आपका हार्डवेयर किसी भी कंप्यूटर का सबसे पहला पोर्शन आपके पास हार्डवेयर ओके द सेकेंड पोर्शन इज़ योर ऑपरेटिंग सिस्टम दैट रिसाइड्स ऑन दिस हार्डवेयर कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये इस हार्डवेयर का यूज़ कैसे करता है एंड योर थर्ड इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट हीयर इज योर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम आपका जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है वो यहाँ पर तीसरा एक इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट यहाँ पर होता है ओके okay? अब ये जो हार्डवेयर है डिजिटल कंप्यूटर का इस हार्डवेयर को हम बेसिकली दो सब्जेक्ट के अंदर स्टडी करने की कोशिश करते हैं सबसे पहला सब्जेक्ट है आपके पास डिजिटल लॉजिक एंड द सेकेंड सब्जेक्ट दैट वी स्टडी इज़ कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ठीक है अब जो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है ऑब्वियसली इसके लिए हमने एक सेपरेट सब्जेक्ट बनाया है दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम बट जो आपका सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं इस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को समझने के लिए हमें तीन से चार अलग अलग सब्जेक्ट्स की ज़रूरत होती है जैसे एक सब्जेक्ट है आपके पास यहाँ पर थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन से हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि लैंग्वेज का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है व्हाट इज़ द बेसिक आइडिया बिहाइंड अ लैंग्वेज ओके कंप्यूटर सिस्टम्स उस लैंग्वेज को कैसे समझेंगे वो हम समझने की कोशिश करते हैं उसके बाद हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो बेसिक आइडिया बिहाइंड अ लैंग्वेज है इसको हम किस तरीके से एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं जो कि किसी तरह की लैंग्वेज को समझ पाए यानी कि हम लोग एक सब्जेक्ट बनाएंगे कंपाइलर डिज़ाइन तो कंपाइलर डिज़ाइन का मतलब है कि अगर हमने एक बेसिक आइडिया बनाया लैंग्वेज का तो क्या वो लैंग्वेज एक क्या आप उस लैंग्वेज के अंदर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते और फिर कंपाइलर डिज़ाइन के बाद हमारे पास आता है सी प्रोग्रामिंग राइट फिर सी प्रोग्रामिंग के बाद हम बाकी जो दूसरे कॉम्पोनेट्स हैं वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं जैसे बेसिकली नॉट जस्ट सी मतलब मतलब है प्रोग्रामिंग का तो बाकी जो आपके कॉम्पोनेट है जैसे आपके पास यहाँ पर डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम है यू हैव कॉन्सेप्ट ऑफ एल्गोरिथम्स यू हैव वेरियस डिफरेंट काइंडस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेरियस डिफरेंट काइंडस ऑफ कॉन्सेप्ट लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो सभी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं करेक्ट तो पूरे कंप्यूटर के तीन इंपॉर्टेंट पोर्शंस हुए पहला हार्डवेयर दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम एंड तीसरा आपका सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स ठीक है अब बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ होती हैं जो यहाँ पर हार्डवेयर पे काम करती हैं जैसे आपके पास एक आसूस कंपनी है अगर आप आसूस कंपनी का इंटरव्यू देंगे सो ऑब्वियसली आसूस क्रिएट्स मदरबोर्ड्स आसूस क्रिएट्स प्रोसेसर जैसे इंटेल है इंटेल कंपनी क्रिएट्स प्रोसेसर्स राइट आपकी एम जो कंपनी है क्वालकॉम जो कंपनी है राइट right? ये जो सभी कंपनीज़ हैं दीज कंपनीज़ आर बेसिकली हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर्स ये सभी कंपनीज़ आपके प्रोसेसर्स को बनाती हैं सभी कंपनीज आपके हार्डवेयर्स को बनाती हैं तो इन सभी कंपनीज़ में अगर आपको जाना है इफ़ यू वॉन्ट टू गेट देयर एज अ साइंटिस्ट एज अ रिसर्च डेवलपर तो आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बहुत अच्छी नॉलेज होनी ज़रूरी है ओके okay? अब कुछ कंपनीज़ हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करती हैं जैसे आपके पास एप्पल के अंदर आईओएस है करेक्ट आईफोन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसी तरीके से आपके पास मैकेंट है माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ है तो ये जो सभी हैं ये सभी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम हैं एंड दीज कंपनीज़ वर्क ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑब्वियसली अगर आपको एज ए ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइनर की तरह जाना है दैन यू शुड हैव अ इन डेप्थ नॉलेज ऑफ दिस सब्जेक्ट एंड थर्ड इज़ द लेवल ऑफ कंपनीज वेयर यू नीट द कॉन्सेप्ट विच इज़ अपर लेवल कॉन्सेप्ट दैट इज सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग तो अपर लेवल कॉन्सेप्ट में आप लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे uh, जैसे आपके पास कुछ कंपनीज हैं यूस सपोज यू हैविप्रो राइट विप्रो सत्यम टेक महिंद्रा मोस्ट ऑफ दिस कंपनीज आर सर्विस बेस्ड कंपनीज इवन आपका जो गूगल है राइट आई एम नॉट टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ गूगल ही उसका एग्जाम्पल मैं क्यों नहीं ले रहा हूँ टेल यू द रीजन अब जैसे विप्रो है आपके पास विप्रो इज़ देयर योर इन्फोसिस इज देयर राइट मोस्ट ऑफ दिस कंपनीज़ आर वर्किंग ऑन द सॉफ्टवेयर कॉम्पोनेंट्स दैट इज़ वाई इफ यू हैवे अ गुड नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग इफ़ हैव अ गुड नॉलेज ऑफ डेटा बेसिस इफ यूव गुड नॉलेज ऑफ एलगोर्थम्स ऑब्वियसली दीज कंपनीज आर फॉर यू लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि क्रॉस डिसप्लिनरी काम करती हैं राइट जैसे आपके पास एक कंपनी है सिस्को राइट अब जो सिस्को कंपनी है दे क्रिएट देयर ओन राउटर्स अब राउटर्स के अंदर तीन कॉम्पोनेंट है राउटर्स आर हैविंग एन हार्डवेयर उस हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए दे नीड अ स्पेशलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम और उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर दे नीड अ स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर तो हमारे पास बहुत सारी ऐसे सिस्को आपके पास एक कंपनी है इवन अगर आपके पास एक कंपोनेंट है यहाँ पर आपके पास गूगल करेक्ट अब आप बोल सकते हैं सर गूगल इज अ वेबसाइट गूगल एक सॉफ्टवेयर कंपनी है तो एक सॉफ्टवेयर कंपनी किस तरीके से इन तीनों चीज़ों के साथ कम्युनिकेट करेगी देखो समझने के लिए सबसे सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो ऑडियंस है गूगल की दैट इज़ नॉट अ स्मॉल ऑडियंस उसकी जो ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है

हु वर्क ऑन ऑल द थ्री लेवल्स जहाँ पर आपके पास सिस्टम डिज़ाइन एक सब्जेक्ट आता है जहाँ पर पूरा सिस्टम आपको डिज़ाइन करना होता है तो वो सभी चीज़ें उसमें कंप्लीटली काम करती हैं ओके okay? अब यहाँ पर जो इस लेक्चर में कवर करूँगा इस लेक्चर में क्या क्या चीज़ें कवर करने वाला हूँ द फर्स्ट थिंग दर आई विल भी कवरिंग इज़ योर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट सॉफ्टवेयर कम्पोनेंट का मतलब है कि अगर आपके पास एक प्रोग्राम आप बनाते हैं तो प्रोग्राम को अगर एग्जीक्यूट करते हैं कंपाइल करते हैं देन वट आर द फेजेज़ इन द कम्पाइलर कंपाइलर का जो फेजेस है सबसे लास्ट में कंपाइलर के फेजन में आपको मिलता है असेंबली कोड ठीक है अब वो जो असेंबली कोड है योर डिजिटल कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड दैट असेंबली कोड राइट इवन दो बीच में बहुत सारी लेयर्स हैं बहुत सारी चीज़ें हैं बट आई एम ट्राइंग टू मेक दिस लेक्चर एज सिंपल एज पॉसिबल ठीक है सेकेंड इज योर डिजिटल कॉम्पोनेंट्स जो कि आपका हार्डवेयर कॉम्पोनेंट है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे योर यू नो गेट्स डिकोडर्स मल्टीप्लेक्सर्स लैच फ्लिप फ्लॉप रजिस्टर्स काउंटर्स एल यूज़ अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट्स तो ये सभी चीज़ें हैं इवन दो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दीज थिंग्स इन डिजिटल लॉजिक हम यहाँ पर इसको डिजिटल लॉजिक में भी कवर कर चुके हैं बट जस्ट फॉर रिविज़न पर्पज़ आई एम गोइंग टू स्पेंड वन मिनट इन ईच ऑफ दिस टॉपिक्स मैक्सिमम मैं एक मिनट का ही टाइम स्पेंड करूँगा ताकि आ, आप सभी को एक रिविज़न पर्पज़ के लिए यूज़ हो जाए कि हम मतलब जो कंप्लीट जो रिविज़न है एक तरीके से हम ऑलरेडी कर चुके हैं वो आप एक रिविज़न परपज़ के लिए यहाँ पर इसको यूज़ कर सकें ओके न और थर्ड विल बी जो डिज़ाइनिंग अ बेसिक कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर का डिज़ाइन कैसे किया जा सकता है यूजिंग ऑल ऑफ दीज़ कॉम्पोनेट्स ये सभी कॉम्पोनेंट्स हैं इनको यूज़ करके हम बेसिक कंप्यूटर बे, का डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं जैसे उसके अंदर हमारे पास मेमोरी चिप है उसको कैसे डिज़ाइन करना है एड्रेस रजिस्टर कैसे डिज़ाइन करना है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कैसे डिज़ाइन करनी है कॉमन बस सिस्टम कैसे डिज़ाइन करना है आपके पास अगर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं तो जो इंस्ट्रक्शन साइकिल है वो कैसे काम करेगी ये सभी आपके जो फ्लैग रजिस्टर्स हैं हैंक्यूमलेटर्स हैं उसको कैसे डिज़ाइन करना है ये कैसे काम करेगा दिस इज द थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी ओके करेक्ट अब ये मैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर में क्यों पढ़ा रहा हूँ बिकॉज दीज आर द टॉपिक्स यहाँ पर मेरा इस पूरे लेक्चर में मेजर एम्फोसिस होगा दिस विल बी योर मेजर एम्फोसिस ओके सो बिकॉज ये जो टॉपिक है ये आपका पूरा कंप्यूटर uh, आर्किटेक्चर का टॉपिक है एंड वी आर स्टडिंग कंप्यूटर आर्किटेक्चर तो इसी वजह से ये जो कंप्लीट टॉपिक है ये ही आपका मेजर एम्फेसिस है दैट इज़ वाई अगर मैं हंड्रेड परसेंट टाइम स्पेंड करूँगा आउट ऑफ दिस हंड्रेड परसेंट आई एम गोइंग टू स्पेंड लाइक सेवेंटी टू एट्टी परसेंट टाइम ऑन कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड आई एम गोइंग टू स्पेंड टेन परसेंट टाइम इन द फर्स्ट प्रोसेस आई एम गोइंग टू स्पेंड लास्ट टेन परसेंट टाइम ऑन दिस स्टेट और यहाँ पर मैं लगभग एट्टी परसेंट टाइम को स्पेंड करूँगा ओके एंड इन द लास्ट हम लोग सबसे लास्ट में स्टडी करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर आर्किटेक्चर के कॉन्सेप्ट कि ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल क्या है व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम जैसे आपके पास कैश मेमोरी का कॉन्सेप्ट क्या होता है मेन मेमोरी का कॉन्सेप्ट क्या होता है प्रोसेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है रिलोकेटेबल प्रोग्रामिंग का कॉन्प्ट क्या होता है अगर आप रिलोकेटेबल प्रोग्राम्स को यूज़ करते हैं तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर यानी कि कंप्यूटर के आर्किटेक्चर को किस तरीके से सपोर्ट करता है वो चीज़ें हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे और जो प्रोग्राम लोडिंग और स्टोरिंग चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे ओके आई होप दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड एक ब्रीफ आइडिया कि हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं तो बेसिकली दिस इज़ काइंड ऑफ अ कंप्यूटर आर्किटेक्चर ये जो है आपका ए एल यू आर्किटेक्चर है सो डोंट गेट कन्फ्यूज अभी मैं आपको ये नहीं शो कर रहा हूँ आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग यू राइट नाउ बट लेटर ऑन हम हर एक कॉम्पोनेंट की वर्किंग को समझेंगे दैट मीन्स हाउ कैन आई डिज़ाइन दिस एक्यूमलेटर कैसे इसको डिज़ाइन किया जा सकता है हाउ कैन आई डिज़ाइन दिस टेम्प्रेरी रजिस्टर हाउ कैन आई डिज़ाइन दिस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हाउ केन आई डिज़ाइन दिस डेटा बस हाउ केन आई डिज़ाइन दिस टाइमिंग एन कंट्रोल सिग्नल इन सभी चीज़ों को इंडिविजुअली कैसे डिज़ाइन करना है एल यू को कैसे डिज़ाइन करना है फ्लैग्स को कैसे डिज़ाइन करना है इन सबकी जो हार्डवेयर डिजाइनिंग है वो सभी हम लोग उन सब का एक ब्रीफ आइडिया हम यहाँ पर लेंगे ओके ठीक है दिस इज़ गोइंग टू अ ब्रीफ आइडिया फाइन नेक्स्ट एंड में हम लोग एक जो कम्प्यूटर कम्प्लीट आर्किटेक्चर है दिस इज़ बेसिकली 8085 माइक्रो प्रोसेसर तो जो माइक्रो प्रोसेसर की हिस्ट्रीज़ हैं कि माइक्रो प्रोसेसर में क्या क्या चेंजेस हुए हैं इन पास्ट फाइव टू टेन इयर्स तो सभी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे एंड दिस इज़ अ कम्प्लीट यू नो माइक्रो प्रोसेसर डिज़ाइन ऑफ एट जीरो एट फाइव बिकॉज एट जीरो एट फाइव माइक्रो प्रोसेसर के अंदर यू हैव वेरियस यूनिट्स लाइक यू हैव अ मेमरी यूनिट यू हैव अ

तो इस मोस्ट बेसिक कंप्यूटर डिज़ाइन में ये चीज़ें कैसे काम करेंगी तो वो चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे एंड दिस विल बी इन द लास्ट ठीक है तो एंड रिज़ल्ट पे हम लोग यहाँ पर हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन में पहुँचेंगे फॉर कंप्यूटर आर्किटेक्चर अगे अगेन इसके बाद भी हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में काफ़ी चीज़ें डिस्कस करेंगे ओके